Hello, today I am going to explain about antidepressant drug which are useful in depression, anxiety, seasonal affective disorder and dysthymia as well as other conditions. This drug are also useful or also very effective against chronic, moderate and severe depression. There are three categories under antidepressant drug. That is called monoamine oxidase, tricyclic antidepressant drug, and selective serotonin inhibitor. These are three drugs category. I am going to display these categories in your screen. First is MAOJ, monoamine oxidase inhibitors. Second is tricyclic antidepressants, and third is SSRI, selective serotonin inhibitors. Categories of MAOJ and TCS are first drug that were successfully used to treatment of depression. So MAOJ and TCS both are called first generation antidepressant drug. And new category of drug are SSRI, which are called second generation drugs. So first generation drug is MAOJ and TCS. And second generation drug is SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors. Now I am going to discuss about MAOJ, monoamine oxidase, inhibitors, which is the very important drug and traditional drug that break down the neurotransmitters such as serotonin, norepinephrine and dopamine. And monoamine is concerned with theory of depression. When the activity level of monoamine system in body is decreased, then person feel depression. इस monoamine categories की जो दवा है, पहले tuberculosis में यूज की गई थी, और दवा का नाम marsilid था. Marsilid इस दवा का नाम था पहले जो यूज की गई थी, और मार्सलिड दवा इम्प्रोनियाजीड कैटेगरी की दवा है. यही दवा शुरू में मार्केट में आई थी, पर बाद में रिसर्च में ऐसा देखा गया कि इस दवा का मूड पर भी इम्पैक्ट पड़ता है. इस दवा से मूड पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इस कैटेगरी की दवा को डिप्रेशन के लिए यूज किया गया एंड फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1950. और मार्केट में न्यू ड्रग जो इस कैटेगरी की आई वो इम्प्रोनियाजिड कैटेगरी की है. इम्प्रोनियाजिड का साइड इफेक्ट पर बहुत खराब था, दे ऑलवेज इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ लिवर. ये दवा इसलिए ज्यादा दिन तक नहीं चली. इम्प्रोनियाजिड जो कैटेगरी की दवा है ये ज्यादा दिन तक नहीं चली क्योंकि इसका साइड इफेक्ट ज्यादा था. ये लिवर सिस्टम को पॉइजनस करता था, टॉक्सिसिटी का इम्पैक्ट इसमें ज्यादा था, इसलिए ज्यादा दिन नहीं चली. इसके बाद दो दवाएं मार्केट में आई जो मैं नीचे आपको लिखा हूं, इसको आप देख सकते हैं. दो कैटेगरी की इसमें दवाएं हैं, दोनों कैटेगरी को मैं लिखा हूं, पार्नेट और मारप्लान, दो दवाएं हैं. यही इम्प्रूव हुई. अब मैं चाहूंगा कि इसके कुछ मेन फंक्शंस को, ड्रग के फंक्शंस को डिस्क्राइब करूं. एन एंजाइम कॉल्ड मोनोअमीन, मोनोअमीन एक एंजाइम, मोनोअमीन ऑक्सीडेस इज इन्वॉल्व्ड इन रिमूविंग द न्यूरोट्रांसमीटर सच एज नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन फ्रॉम द ब्रेन. और इसी से खतरा रहता है ये न्यूरोट्रांसमीटर का, ये ब्रेन का इसी से खतरा रहता है. ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर को ये ब्रेक डाउन करती है, और इन दोनों माउस द्वारा साइड इफेक्ट भी ज्यादा है. साइड इफेक्ट में कहिए तो इन माउज का साइड इफेक्ट बॉडी में बहुत ज्यादा पड़ता है. बिकॉज ऑफ इट्स साइड इफेक्ट एंड सेफ्टी कंसर्न, माउज आर मोस्ट ऑफन ट्राइड व्हेन अदर एंटी डिप्रेजेंट्स डोंट वर्क. जब एंटी डिप्रेजेंट ड्रग वर्क नहीं करती है उस समय इसका यूज करना चाहिए. देयर आर फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ माउज, इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं हुआ. फर्स्ट जनरेशन की जो दवा थी इसका ज्यादा यूज इसलिए नहीं हुआ कि दे हैव अलॉट ऑफ साइड इफेक्ट सच एज ड्राई माउथ. देखिए मैं दिखा रहा हूं ड्राई माउथ का, नौसिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, ड्राउजनेस, ये सब बॉडी में होता है.
ये सारी चीजें, इंसोमेनिया भी होता है, नींद की समस्याएं आती हैं इसमें, स्किन रिएक्शंस होते हैं, लो बीपी होता है, वेट गेन की समस्या आती है, डिफिकल्टी इन डिस्चार्जिंग द यूरिन, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। इन दवाओं को ज्यादा दिन तक लेने से यूरिन को डिस्चार्ज करने में दिक्कत होती है। एंटी डिप्रेजेंट को प्रेगनेंसी पीरियड में लेना बहुत खतरा होता है, इसको मना किया जाता है कि खासकर जो माउज कैटेगरी की दवा मैंने बताई उसको प्रेगनेंसी पीरियड में लेने से खतरा रहता है, हार्मफुल होता है बहुत, दोनों के लिए, मदर के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी, दोनों के लिए काफी हार्मफुल होता है। इसमें डाइटिंग रिस्ट्रिक्शन भी है, यदि ये दवा हम ले रहे हैं तो कुछ खाने पीने की जो चीजें हैं उसके इंटरेक्शन से बहुत गड़बड़ियां होती हैं, जैसे चीज ले लिए, मीट, बियर, इससे बीपी को ज्यादा खतरा होता है, हाई बीपी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंटी डिप्रेजेंट ज्यादा दिन तक लेने से एक और खतरा होता है, हालांकि डिप्रेशन के पेशेंट में तो ज्यादा सुसाइडल केस आते ही हैं, पर एंटी डिप्रेजेंट को खासकर ज्यादा दिन तक लेने से ऑल एंटी डिप्रेजेंट कैरी ब्लैक बॉक्स वार्निंग सच एज सुसाइडल टेंडेंसी के खतरे बढ़ जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी इससे बढ़ सकते हैं। दीज माओज आर जनरली नॉट प्रेस्क्राइब बाई डॉक्टर, क्योंकि अब नई दवाएं आ गई हैं, इसलिए इन माउज का जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, एंड ये अलाउ भी नहीं है, चिल्ड्रेन के लिए भी अलाउ नहीं है ये दवा। एडिक्शन का भी इसमें खतरा रहता है, बहुत सारे एडिक्शन के खतरे रहते हैं। इफ यू स्टॉप माउज सडनली यू हैव मोर विथड्रॉल सिम्टम्स विथड्रॉल सिम्टम्स में खासकर जो है बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। अब मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा टीसीएस का, टीसीएस ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट ड्रग, ये भी फर्स्ट जनरेशन की ही दवा है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट ड्रग। दिस इज ऑल्सो ए ट्रेडिशनल ड्रग ऑफ अ ग्रुप फॉर डिप्रेशन, और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट ब्लॉक द रिपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के जो रूपटेक हैं, जो आपके प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, तो वो प्री साइनेप्टिक माने प्री साइनेप्स में होते हैं वो रूपटेक, उसके चलते ये सारी दिक्कतें आती है, तो ये ब्लॉक करता है रूपटेक को, जिससे कि वो रूपटेक आपके क्लेफ्ट तक ना आए। रूपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉर एपिनेफ्रीन एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ दीज टू न्यूरोट्रांसमीटर, इसके दो न्यूरोट्रांसमीटर को ये इंक्रीज करता है रिप्टेक पर, जिसका रिप्टेक को वहां प्री साइनेप्टिक पोजीशन में रोककर, जिसको मैं फिगर में आपको एक दिखाना चाहता हूं, ये आपके दो तरह के, आपके प्री और पोस्ट दो तरह के साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होते हैं, तो प्री से पोस्ट में ही आते हैं सारे नर्व जो ट्रांसमिशंस होते हैं, तो प्री में रिप्टेक होते हैं, खासकर दो तरह के जो रिप्टेक हैं सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इसको वहां रुकता है। इससे क्या होता है कि इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर क्लेफ्ट है वहां बढ़ता है। इसकी तीन दवाओं को मैं, टीसीएस कैटेगरी की तीन दवाओं को मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ए देखिए, एमिट्री पिटिलिन जो एलाविल नाम से मार्केट में आती है, डेसीप्रामीन जो नॉर प्रामीन के नाम से बाजार में आती है, इमिप्रामीन जो टॉफ्रानील कैटेगरी की आती है, ये तीन दवाएं हैं। इसमें जो फर्स्ट है इमिप्रीलिन जो है तथा इमिप्रिलिन, दोनों टर्सरी अमीन के अंतर्गत आती है, दो तरह के अमीन है, टर्सरी और सेकेंडरी अमीन, तो टर्सरी अमीन में इमिप्रीपिटिलिन है और इमिप्रामीन है, और जो डेसीप्रामीन है जिसमें नॉरप्रामीन दवा आ रही है वो आपका सेकेंडरी अमीन की दवा है, तो टर्सरी अमीन से ज्यादा सेकेंडरी अमीन की दवाएं वो ज्यादा इम्पैक्ट देती हैं। बोथ आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइल ग्रुप के आधार पर दोनों को अंतर किया गया है। टर्सरी का साइड इफेक्ट ज्यादा है कंपैरिजन टू सेकेंडरी का,
इसलिए सेकेंडरी ही ज्यादा यूज किया जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिपटेक इनहिबिटर SSRI। SSRI आर द मोस्ट वाइडली प्रेस्क्राइब्ड एंटी डिप्रेशन ड्रग इन मेनी कंट्रीज। यही ज्यादा यूज किया जाता है। इट ऑलवेज इंक्रीज द लेवल ऑफ सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर बाय लिमिटिंग इट्स रिपटेक इन प्री साइनेप्टिक सेल। इसको मैं दिखाने के लिए कह रहा था, उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपका प्री और पोस्ट साइनेप्टिक है। तो ये क्या करता है कि जो रिपटेक है उसको प्री साइनेप्टिक सेल में ही रोकता है, लिमिट करता है उसका। इट ऑलवेज इंक्रीज द लेवल ऑफ सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर बाय लिमिटिंग इट्स रिपटेक इन प्री साइनेप्टिक सेल। आफ्टर यूजिंग द SSRI द सेरोटोनिन लेवल कैन बी इंक्रीज इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट आफ्टर यूजिंग द SSRI। यहां पर इसकी मात्रा देखिए, इसकी मात्रा यहां पर बढ़ रही है क्योंकि रिपटेक को यहीं पर ये रोक दे रहा है, तो इसलिए इसकी मात्रा क्लेफ्ट पर आकर बढ़ जा रही है, इसलिए इसका इंपैक्ट होता है। द एफिकेसी ऑफ SSRI जो इसकी उपयोगिता है, एफिकेसी ऑफ SSRI इन माइल्ड और मॉडरेट केसेज ऑफ डिप्रेशन हैज बीन डिस्प्यूटेड। कहीं कहीं इस पर बहुत सारे बहस भी हुए हैं, इसमें कॉन्ट्रोवर्सी भी है। दिस SSRI इज यूजफुल इन डिप्रेशन, एग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर एज वेल एज क्रोनिक पेन डिसऑर्डर। इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे तो SSRI जो है रिपटेक में खासकर सेरोटोनिन के रिपटेक को क्या करता है, वहीं पर रोक देता है, इनहिबिट करता है। एज ए रिजल्ट सेरोटोनिन स्टे इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सेरोटोनिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में स्टोर होने लगता है लॉन्गर टाइम, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं आती है। फर्स्ट SSRI जो ड्रग थी, फर्स्ट SSRI ड्रग आपको मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट SSRI ड्रग ये देखिए, फर्स्ट SSRI जिमेलेडिन फर्स्ट SSRI था जो पूरे वर्ल्ड में चला, लेकिन 1982 में एक्सेस विथड्रॉल सिम्टम्स के कारण रोक दिया गया जिमेलेडिन को। इसको मैं जिमेलेडिन को इसमें नहीं दिखाया हूं, उसके बाद की दवा है। जिमेलेडिन फर्स्ट SSRI था और 1982 में उस पर बैन हो गया क्योंकि उसका विथड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज्यादा था। उसके बाद एट ए प्रेजेंट टाइम देयर आर 4 SSRIs, फ्लूऑक्सिटिन, सर्ट्रालीन, पारोक्सिटिन एंड फ्लूवोक्सामीन। दीज आर 4 कैटेगरीज। और फ्लूऑक्सिटिन की जो दवा है सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट के नाम से मार्केट में आती है, और सर्ट्रालीन की जो दवा है वो जोलोफ्ट के नाम से आती है, पारोक्सिटिन जो दवा है वो पैक्सिल के नाम से आती है, फ्लूवोक्सामीन जो है लोवोक्स के नाम आती है। तो प्रोजेक एंड जोलोफ्ट बोथ आर फुली अप्रूव्ड बाय डॉक्टर। ये जो दोनों ऊपर का मैं दिखाया हूं ये फुली अप्रूव्ड है, खासकर जो प्रोजेक है और जोलोफ्ट है, दीज आर फुली अप्रूव्ड ड्रग फॉर मेजर डिप्रेशन एंड OCD। बट जो तीसरी दवा पैक्सिल की है इट इज इनिशियली अप्रूव्ड एंड फॉर पैनिक डिसऑर्डर, नॉट फॉर मेजर डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर के लिए है। और लास्ट जो लोवोक्स मैंने दिखाया, दिस इज यूजफुल इन चिल्ड्रेन OCD, जो बच्चों में OCD की प्रॉब्लम आती है उसमें ये ज्यादा यूजफुल होता है। इन SSRI का साइड इफेक्ट कुछ कम होता है माउज और TCS के कंपेरिजन में, इसलिए इसका यूज होता है ज्यादातर। और फिर भी इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि वोमिटिंग, नौसिया, डायरिया, ड्राउजनेस, उसके बाद इंसोमैनिया, ड्राई माउथ एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें ये आती हैं इसके साइड इफेक्ट में। पर दोनों के कंपेरिजन में इसके साइड इफेक्ट कुछ कम होते हैं, इसलिए इसका ज्यादा यूज होता है। बट SSRI आर जनरली सेफ फॉर मोस्ट पीपल, सभी लोगों के लिए ये ज्यादातर सेफ होता है। फिर भी इसके ड्रग इंटरेक्शन का ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक इस फार्माकोलॉजी में टर्म है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। यदि
इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अलावा यदि बॉडी में और कुछ दिक्कतें हैं और कुछ दवा आप ले रहे हैं उसके साथ यदि आप मेजर डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं तो उसमें खतरे होते हैं, उसको ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं, उस उन ड्रग का कुछ न कुछ इंटरेक्शन होता है, तो उसको डॉक्टर को पहले से ही बता देना चाहिए कि मैं इस चीज की दवा ले रहा हूं, उसके बाद डिप्रेशन की भी दवा ले रहा हूं। इससे क्या होगा कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस कम होंगे और डॉक्टर अपने हिसाब से दवा देता है, तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि इस तरह की दवा आप लेंगे। SSRI ट्रीटमेंट बंद हो रहा है तो कुछ विथड्रॉल सिम्टम्स भी नजर आएंगे। यदि कोई दवा अपना बंद कर रहा है तो उसके कुछ विथड्रॉल सिम्टम्स भी आएंगे। जनरल लोग फील करते हैं अनइजनेस, इससे अनइजनेस फील होता है, नौसिया होता है, डेजिनेस होता है, लेथार्जिक एक्टिविटी आती है और बहुत सारी चीजें आती हैं। अब मैं इसके लास्ट में कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में भी पूछता है, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग क्या है, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। हाफ ऑफ लाइफ ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। शुरू के मैं लेक्चर में बताया था फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, जिसके कुछ स्टेजेज के बारे में, उसके फेजेज के बारे में मैं बताया था, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी एक फेज था कि दवा जब हम लेते हैं तो उसका बॉडी में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कितने समय के लिए होता है, उसके बाद एक्सक्रेशन हो जाता है तो कितना समय के लिए बच जाता है उसमें दवा। तो इट इज ए फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दैट इज डिफाइंड एट द टाइम इट टेक्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा यानी ब्लड में भी टू बी रिड्यूस्ड बाई 50%। सभी ड्रग का हाफ लाइफ निर्धारित होता है, चाहे जो भी ड्रग लेते हैं उसकी हाफ लाइफ निर्धारित होती है कि इस ड्रग की हाफ लाइफ इतनी है, इतने देर बाद इसका इम्पैक्ट इतना 50% कम हो जाएगा, इतने देर बाद इसका इतना 50% कम हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उससे आप हाफ लाइफ ऑफ ड्रग के बारे में समझ जाएंगे। इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं दिखा रहा हूं 50% इसका, यदि मान लीजिए कि कोई दवा है 100 mg का डोज है उसकी और उसकी हाफ लाइफ है 50 मिनट, तो 50 मिनट बाद जो है ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन 50% यानी वो 50% ही बचेगा। 100 mg का ड्रग आपका 50 मिनट बाद, फर्स्ट 50 मिनट बाद वो 50 mg शरीर में बची, देयर आफ्टर 30 मिनट फिर 50 mg का जस्ट हाफ हो जाएगा 25 mg, फिर 45 मिनट बाद 12.5 mg, आफ्टर 60 मिनट 6.25 mg, आफ्टर 1.5 hours 1.56 mg ड्रग रिमेन्स इन द बॉडी और सारे एलिमिनेट हो गए। तो ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी था। इसको सिंपली ढंग से समझाने की कोशिश किया, जो एंटी डिप्रेजेंट ड्रग हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, पर जो सेकेंड जो जनरेशन की दवाएं हैं जो ट्रेडिशनल दवाओं की अपेक्षा में जो न्यू SS सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर्स से उसके ज्यादा यूज होते हैं कंपेरिजन टू माओज एंड TCS। थैंक यू।